नमस्कार दोस्तों, माय सेल्फ दीपक वर्मा, स्वागत है आपका रेविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेयर वाइज स्केच के बारे में कि आप स्केच करके अपनी स्टेयर को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब हम जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे स्टेयर वाइज स्केच पे। अभी तक आपने देखा था स्टेयर वाइज कंपोनेंट, अब आप करेंगे स्टेयर वाइज स्केच। आप स्टेयर वाइज स्केच पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शंस आएंगे वो आएंगे तीन टाइप्स के, रन, बाउंड्री एंड राइजर। ठीक है, अब रन, बाउंड्री, राइजर क्या होता है वो बताता हूँ। लास्ट में जो आपको बताया था सेम इसके अंदर भी है कि आपको विड्थ कितनी रखनी है, डिजायर नंबर ऑफ राइजर कितने रखने हैं, एक्चुअल राइजर की हाइट कितनी रहेगी और एक्चुअल डेप्थ कितनी रहेगी। अगर लास्ट वीडियोज आपने नहीं देखे तो प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा कि लास्ट वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको इनके बारे में क्लियरली पता चल जाए। अब आपको करना क्या है, वही आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद और आपको ये स्टेयर यहाँ पे बना देनी है। क्लिक कर देना, आपकी स्टेयर बन जाएगी। यहाँ पे बनने के बाद फिनिश करने से पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो आपका ग्रीन कलर में है इसे हम बाउंड्री बोलते हैं, ये आपकी होती है बाउंड्री। जो आपका मिडल में है ये होता है रन, और जो आपका ये वाले लाइन्स हैं ये है आपके राइजर। ठीक है, आप किसी भी चीज को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसको फिनिश करता हूँ यहाँ से तो आपके सामने ये स्टेयर यहाँ पे बन जाएगी। अगर मैं इसको 3D में आपको दिखाऊं तो ये आपकी स्टेयर यहाँ पे बन गई है। ये सेम वैसी है जैसे आपने स्टेयर वाइज कंपोनेंट में बनाई थी। उसके बाद अगर मेरे को एल शेप में बनानी है तो आप स्टेयर वाइज स्केच पे क्लिक करेंगे। स्टेयर वाइज स्केच पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे जितनी बनानी है तो नीचे बताएगा 10 राइजर क्रिएटेड, 8 रिमेनिंग। बट इसमें अब वो ऑप्शन नहीं आएंगे कि अलाइनमेंट के, लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन, इसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा। तो आपको जो क्रॉसिंग यहाँ पे दिखाएगा यहाँ से आप अपने स्टेयर को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको एल शेप में बनानी है तो यहाँ पे आपका लैंडिंग आ जाएगी और ये आपके रन आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। उसके बाद अगर मेरे को यू शेप में बनानी है तो मैंने स्टेयर बाय स्केच यहाँ से यूज किया, उसके बाद मैंने यहाँ से रन किया और यहाँ से मैं ये कंप्लीट लैंडिंग आ जाएगी। यहाँ से मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, फिनिश करेंगे तो आपका स्टेयर बन जाएगा। क्लियर, तो ऐसे करके आप अपनी स्टेयर को बना सकते हैं। अब अगर आपको स्टेयर एडिट करनी है, एडिट एक तो वो होता है जो आप क्लिक करते हैं, एडिट टाइप में जाएंगे, यहाँ पे वही सब चीजें हैं जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बस ये है कि स्टेयर बाय स्केच को जब एडिट करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो आपको सामने ही नजर आएंगी, बट स्टेयर बाय कंपोनेंट को अगर आप एडिट करते हैं, अगर मैं एक स्टेयर बाय कंपोनेंट के अकॉर्डिंग बना के दिखाऊं तो वो क्या करता है, वो उसमें वो वाले ऑप्शन इतने थोड़े से चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अगर आप इसे फिनिश करते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको एडिट अगर करता हूँ तो इसके ऑप्शन कुछ ऐसे आएंगे कंस्ट्रक्शन के, आप क्लिक करेंगे तो वही चीजें जो आपके क्लिक करने के बाद आई है यही चीजें आपका यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद स्टेयर वाइज स्केच को एडिट टाइप पे जाने के बाद वो आपको यहीं पे नजर आएंगे। यहाँ पे क्या है कि आपको मिनिमम ट्रेड की डेप्थ कितनी चाहिए, मिनिमम राइजर की हाइट कितनी चाहिए, ये मैं ऑलरेडी लास्ट चैप्टर्स में आपको बता चुका हूँ। प्लीज आप एक बार वीडियो जरूर देख के आए वो। उसके बाद आपको यहाँ पे मटीरियल क्या चाहिए, ट्रेड मटीरियल, राइजर मटीरियल, स्ट्रिंगर्स मटीरियल, ट्रेड कितना आपको सही चाहिए, नोजिंग लेंथ कितना चाहिए, नोजिंग का प्रोफाइल कितना चाहिए और नोजिंग आपको कहाँ कहाँ पे चाहिए, ये आप यूज कर सकते हैं। राइजर चाहिए नहीं चाहिए, एंड राइजर चाहिए नहीं चाहिए, राइजर टाइप कैसा चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, स्लॉन्टेड चाहिए, या फिर राइजर की थिकनेस कितनी चाहिए, ये आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और दिस इज फॉर स्ट्रिंगर, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि राइट स्ट्रिंगर कैसा चाहिए, क्लोज चाहिए, ओपन चाहिए, नन चाहिए, मिडल स्ट्रिंगर चाहिए नहीं चाहिए, ये सब चीजें आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उस एडिटिंग की, मेरे को इस स्टेयर के शेप को चेंज करना है, स्टेयर की शेप या कुछ भी जो भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस स्टेयर को क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको जाना है एडिट स्केच पे। एडिट स्केच पे जाने के बाद आप इस स्केच को एडिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लो मैंने इस बाउंड्री को यहाँ से डिलीट किया, दोनों बाउंड्री मैंने डिलीट की, अब मेरे को जो बाउंड्री चाहिए वो ऐसे चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बाउंड्री पे क्लिक किया, एक लाइन यहाँ से चूज की। अगर मैं बाउंड्री डिलीट कर रहा हूँ तो मेक श्योर कि अगर आपको लगाने तो आप बाउंड्री ही लगाएं, रन डिलीट कर रहे हो तो रन ही लगाएं, राइजर को अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो आप राइजर ही लगाएं। अब मान लो मैंने एक स्टेयर यहाँ पे, एक बाउंड्री यहाँ पे ऐसे बना दी। ऐसे बनाने के बाद मेरे को इधर भी सेम चाहिए तो मैं इसको क्लिक करके मिरर कर सकता हूँ।
आप मिरर यूज कर सकते हो पिक एक्सिस, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक एक्सिस है, आप एक एक्सिस के अकॉर्डिंग मिरर कर सकते हो। सिर्फ आपको इतना करना है, आपको ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप फिनिश करेंगे तो होगा क्या, आपकी उसी शेप में स्टेयर बन जाएगी कुछ इस तरह से। अगर आप यहाँ से 3D में जाके देखते हैं तो आपकी स्टेयर कुछ इस टाइप में आपकी बन गई है। क्लियर। अब बात करते हैं कि मेरे को स्टेयर जो यहाँ पे दोबारा मैंने क्लिक किया, दोबारा मैंने एडिट स्केच किया, या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्टेयर को ऐसे राउंडेड चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर से मैंने इसको डिलीट किया बाउंड्री को। आप यहाँ से दोबारा से बाउंड्री ले सकते हैं और आप यहाँ से राउंडेड बाउंड्री ले सकते हैं कि मेरे को कुछ बाउंड्री ऐसे चाहिए। क्लियर। आपको मिरर करना है, आप इसे मिरर कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी बाउंड्री कैसी है, आपकी बाउंड्री जैसी भी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्टेयर्स बन जाएगी। अब अगर आप फिनिश करते हो तो आपका कुछ इस तरह की आपको इस टाइप की आपको शेप नजर आएगी। तो इस टाइप की आपको कुछ शेप नजर आएगी। आप 3D पे जाएं और आप ऐसी स्टेयर को देख सकते हैं। क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि मान लो यहाँ पे एक लैंडिंग आ जाए यहाँ पे, तो उसके लिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, दोबारा से एडिट स्केच पे जाता हूँ। ठीक है, एडिट स्केच पे जाने के बाद दोबारा लेवल 1 पे, अब मेरे को एक यहाँ पे बनाना है, बट मैं बाउंड्री नहीं बना सकता, बाउंड्री नहीं लगा सकता, क्योंकि बाउंड्री अगर लगेगी आपकी तो वो रेलिंग्स के साथ लगेगी, बट मेरे को यहाँ पे ओपन रखना है, तो मेरे को यहाँ पे राइजर बनाना पड़ेगा। आप राइजर पे क्लिक करें, आप यहाँ से राउंडेड ले, और आप यहाँ से मान लो आपको राउंडेड चाहिए, आप कोई भी शेप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे राउंडेड लिया और आप यहाँ से एक राइजर, बट इससे बना के लॉस क्या हुआ, यहाँ पे देखो 19 राइजर क्रिएटेड माइनस वन रिमेनिंग का मतलब एक राइजर आपका ज्यादा हो गया, मतलब अब आपकी हाइट 10 फीट से भी ज्यादा जाएगी, तो उस केस में मेरे को एक राइजर को डिलीट करना पड़ेगा। आप कोई भी एक राइजर को, मैंने इस राइजर को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो ये राइजर आपका डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे 18 राइजर क्रिएटेड 0 रिमेनिंग, अब ये हमें कोई वार्निंग शो नहीं करेगा और इजिली आपके स्टेयर को बना देगा। अगर मैं यहाँ पे 3D पे जाके दिखाता हूँ तो इस टाइप की आपकी यहाँ पे स्टेयर बन जाती है। क्लियर। उसके बाद है आप क्लिक करें, मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी एक लैंडिंग हो स्टेयर के लिए, तो मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ, एडिट स्केच कर सकता हूँ। एडिट स्केच करने के बाद मैं यहाँ पे जा सकता हूँ और एक यहाँ पे भी मैं एक राइजर बना सकता हूँ। आप यहाँ पे एक राइजर बनाए, मान लो 3 फीट का मैंने एक राइजर बनाया, यहाँ पे भी 3 फीट का राइजर बनाया, और मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर सकता हूँ। ज्वाइन करने से दोबारा एक राइजर बना, फिर सेम प्रॉब्लम, -1 रिमेनिंग। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे इस राइजर को क्लिक किया, डिलीट, एंड यहाँ पे फिनिश। तो आप यहाँ से ऐसे स्टेयर बना सकते हो। आप 3D में जाए, कुछ आपके इस तरीके की स्टेयर बन जाए। क्लियर। अब ये स्टेयर तो हुई लेवल 1 से लेवल 2 के लिए, बट अब लेवल 2 से लेवल 3 पे जाने के लिए मेरे को स्टेयर बनानी है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लेवल 2 पे चला जाता हूँ। लेवल 2 पे चले जाने के बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ग्रिड बना लेता हूँ कोई भी रेफरेंस के लिए। मैंने एक ग्रिड बनाया यहाँ पे, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। अब मैं यहाँ से स्टेयर ले लेता हूँ, स्टेयर बाय स्केच लेने के बाद, मान लो मेरे को स्ट्रेट स्टेयर चाहिए तो आप यहाँ पे इजिली आ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे मिडल पॉइंट चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे मॉडल लाइन ले सकते हैं, आप यहाँ पे एक लाइन लगा सकते हैं ताकि आप इसका मिडल पॉइंट निकाल सके। सिर्फ उस रीजन से मैं यहाँ पे एक लाइन ले रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मैं इसका मिडल पॉइंट यहाँ पे ले पाऊँ, बट मैं इसका भी मिडल पॉइंट नहीं ले पा रहा हूँ यहाँ पे। तो फिर एक काम करते हैं, रन लेते हैं, यहाँ पे आइडिया से क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक स्टेयर बना लेते हैं, फिनिश। थ्रीडी तो आपकी कुछ इस टाइप की यहाँ पे स्टेयर बन जाती है। क्लियर। अगर मेरे को राउंडेड चाहिए तो राउंडेड के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे स्टेयर लिया, मेरे को स्पाइरल में चाहिए थोड़ा, और यहाँ से मैं चूज करता हूँ ये वाला ऑप्शन, सेंटर एंड आर्क, क्लिक करें। आप इस लाइन पे कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं जितना आपको रेडियस चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, कहीं पे जितना भी आपको रेडियस चाहिए वो क्लिक कर सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग स्टेयर बना सकते हैं, और उसके बाद फिनिश। फिनिश करने के बाद आपकी राउंडेड स्टेयर यहाँ पे बन जाएगी।
क्लियर। उसके बाद अगर मेरे को ये भी राउंडेड चाहिए तो मैं इस वाले स्टेयर को सिलेक्ट करके इसको मिरर कर सकता हूँ इधर। तो अब आप अगर 3D पे जाके देखते हैं तो देखो कुछ इस टाइप की आपकी स्टेयर यहाँ पे बन जाएगी। तो ऐसे आप अपनी स्टेयर्स को बना सकते हैं। और मैं अगर आपको दिखाऊं आगे और आप क्या क्या एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक स्टेयर यहाँ पे बनाई, आप कोई भी एक स्टेयर यहाँ पे बनाते हैं या आपने स्टेयर यहाँ पे बनाई। स्टेयर बनाने के बाद आप अगर बाउंड्री को कैसे भी बनाएंगे, आप अपनी बाउंड्री को कैसे भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे बाउंड्री पे क्लिक करें, मैंने यहाँ पे कोई भी टूल लिया और अगर आप अपनी बाउंड्री को कैसे बनाएंगे, मान लो मैंने बाउंड्री ये वाली बनाई, अगर आप फिनिश करते हैं तो आपकी स्टेयर भी वैसे ही रिएक्ट करेगी, आपकी स्टेयर भी वैसे ही बन जाएगी। अब जैसे ही इसका यूज कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा, इसका यूज सबसे ज्यादा वहां पे होता है जब आप ऑटोकैड से कोई चीज बना के लेके आते हैं, जब आप ऑटोकैड से स्टेयर्स को बना के लेके आते हैं, आपको एज इट इज स्टेयर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप बाउंड्री की हेल्प से बाउंड्रीज बना सकते हैं, रन की हेल्प से रन बना सकते हैं और राइजर की हेल्प से आप इंडिविजुअल राइजर बना सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपनी स्टेयर को वहां पे बना सकते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा यूज वहीं पे होता है जब आप ऑटोकैड से कोई स्टेयर को बना के लेके आते हैं। अगर मैं और एग्जांपल आपको दिखाऊं स्टेयर बाय स्केच के, तो आप स्टेयर बाय स्केच यहां से यूज करें। आप राइजर को भी जिस भी वे में बनाएंगे, जिस भी शेप में बनाएंगे, आपके राइजर भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं ये राइजर से यहां पे मैंने एक राइजर लिया, राउंडेड राइजर मैं यहाँ से ले लेता हूँ और राउंडेड राइजर मैंने स्टैंड करके मैं ऐसे आप एक राइजर को बना सकते हैं। आप इसे कॉपी कर सकते हैं, आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉन्स्ट्रेंट मल्टीपल आप इसको क्लिक करें कि मेरे को यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। आप इसको फिर डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप फिनिश करेंगे तो आपके राइजर कुछ ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, आपके राइजर कुछ इसी वे में आपको शो होंगे। अगर आप यहाँ से 3D पे देखते हैं तो देखो आपके राइजर भी कुछ इसी वे में आपको रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब जिस भी टाइप से आप बनाएंगे वैसे ही आपकी स्टेयर यहाँ पे बन जाएगी। अब ये तो था स्टेयर बाई स्केच एंड उसको एडिट कैसे करते हैं। अगर मेरे पास स्टेयर बाई कंपोनेंट है, अगर मेरे को इसे एडिट करना है तो आप उसे कैसे एडिट कर सकते हैं। मान लो आपने एक स्टेयर बनाई यहाँ पे और आपने यहाँ से राइट अलाइन किया और आपने यहाँ से ये बनाया एंड अब इसको एडिट करना है। अब एडिट करने के लिए देखो यहाँ पे ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है और लैंडिंग का पार्ट आपका अलग है, तो आप इंडिविजुअली सबको एडिट कर सकते हैं। मान लो मेरे को ये वाला पार्ट एडिट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू स्केच बेस्ड। जब आप इसे कन्वर्ट टू स्केच बेस्ड कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको ये स्टेयर बाय स्केच की तरह रिएक्ट करेगा और अब आप एडिट स्केच पे क्लिक करेंगे तो आपकी वैसे ही यहाँ पे प्रोफाइल्स आ जाएंगी और वही सब चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, बाउंड्री राइजर एंड स्टेयर पाथ। तो आप इसकी हेल्प से बना सकते हैं कुछ भी, क्लियर। ऐसे ही आप एडिट कर सकते हैं, आप क्लिक करके इसे राइजर बना सकते हैं। उसको बनाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे फिनिश करना है, फिनिश करने के बाद आप इसे यहाँ से फिनिश कर सकते हैं और एक बार और फिनिश तो आपकी जो भी एडिटिंग यहाँ पे हुई है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पे स्टेयर पे है, स्टेयर पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पे ऑप्शंस है कि आपको अप टेक्स्ट में क्या रखना है, अप लिखना है, डाउन टेक्स्ट अगर आपकी डाउनवर्ड्स जा रही है तो डाउनवर्ड्स आपको क्या लिखना है, अप वाला लेबल चाहिए नहीं चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, अप एरो चाहिए नहीं चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, डाउन लेबल डाउन एरो चाहिए, शो अप एरो अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको अप एरो शो हो जाएगी। ऐसे आप इस चीज को यहाँ से यूज कर सकते हैं। एक और चीज, अब आपकी जो ये मान लो स्टेयर है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये स्टेयर यहाँ से ऐसे चल रही है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला पोर्शन डाउन आए ये वाला अप जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या है, बेसिकली आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे एक फ्लिप का आपके पास ऑप्शन होता है, फ्लिप स्टेयर आप क्लिक कर दे आपकी स्टेयर फ्लिप हो जाएगी, तो वहां से अप हो जाएगा इधर से डाउन हो जाएगा। ऐसे आप इस स्टेयर को फ्लिप कर सकते हैं और ऐसे आप अपनी एक स्टेयर को बना सकते हैं, क्लियर।
ये तो था स्टेयर को आप कैसे एडिट कर सकते हैं, स्टेयर बाय स्केच आप कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे स्टेयर को आप बना सकते हैं। और अगर मैं इसके अंदर कुछ बताना चाहूँ तो इसके अंदर कुछ खास नहीं है। स्टेयर बाय स्केच पे आप क्लिक करो, आपको रन चाहिए, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं सेंटर एंड आर्क, तो आप स्पाइरल स्टेयर यहाँ से बना सकते हैं। कितना आपको रेडियस चाहिए उसके अकॉर्डिंग, मान लो आपने रेडियस और कम किया यहाँ पे, तो आप दोबारा से यहाँ पे रन को यूज कर सकते हैं और आप यहाँ से स्पाइरल स्टेयर बना सकते हैं। आप फिनिश करेंगे तो आपकी स्पाइरल स्टेयर बन जाएगी। या फिर एक चीज अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपके स्ट्रेट स्टेयर है वो और भी बड़ी हो जाए, मतलब उसके जो राइजर है और ज्यादा इंक्रीज हो जाए, या फिर आप उसके राइजर को और ज्यादा इंक्रीज कर पाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए मान लो आपके पास एक स्टेयर है, ये आपने इसको क्लिक किया, आपने इसे एडिट स्केच किया, अगर मैं इसके रन को क्लिक करके और इसके रन को क्लिक करने के बाद अगर मैं इस रन को इंक्रीज कर दूं तो वो आपकी स्टेयर भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, बट ये एज ए लैंडिंग पार्ट आया। बट अगर आप कोई न्यू स्टेयर बनाते हैं, अगर आप कोई न्यू स्टेयर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, मान लो आपने यहाँ पे स्टेयर लिया, स्टेयर बाय कंपोनेंट नहीं, स्टेयर बाय स्केच, आप एक स्टेयर बाय स्केच लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद अगर आप रन को क्लिक करके आप इसे इंक्रीज करते हैं रन को, तो होगा देखो, तो वो आपकी स्टेयर आपको इंक्रीज कर देगा। यहाँ पे देखो माइनस 15 रिमेनिंग, मतलब आपकी स्टेयर की स्टेप्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? तो ये था फुल स्टेयर्स के बारे में, कैसे आप स्टेयर्स बना सकते हैं, कैसे आप जो चीजें बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑटोकैड की फाइल है जिसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको 3D में जाके कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो आप स्टेयर बाय स्केच की हेल्प से उसमें स्टेयर बना सकते हैं, कैसे कैसे आप चीजों को कर सकते हैं। तो ये था कम्प्लीट स्केच स्टेयर्स के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टेयर्स बनाना अब आ गया होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। और एक और चीज, मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए यहाँ पे रेडी। थैंक यू सो मच।